हाय, मैं हूँ प्रफुल्ल कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं संवाद संगीत, म्यूजिक दैट कनेक्ट। वोकल एक्सरसाइज वन में मैंने आपको बताया कि आवाज़ को तैयार करने के लिए क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। एक और इसी सीरीज में एक और एक्सरसाइज मैं लेकर के आ रहा हूँ, वोकल एक्सरसाइज टू। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बाकी के सभी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे अपने नेचुरल पिच से शुरू करेंगे, तो ये एक्सरसाइज भी हम अपनी नेचुरल पिच से शुरू करेंगे। मेरे केस में ये सी है, तो आई स्टार्ट विथ सी। सी इज़ माई सा, और सा रे ग म प ध नी सा ये मेरा स्केल है। हम सारे शुद्ध स्वरों पे ही ये रियाज करेंगे। ये एक्सरसाइज करना कैसे है, आप स्टार्ट करेंगे सा से, और सा के बाद रे ग हमिंग में गाएंगे, और ग तक जा कर के आकार गाकर फिर वापस से आकार में वापस सा पे आएंगे। कैसे करना है मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। तो जाना है हमिंग में, आना है आकार में। अब ग तक गए, हम जाएंगे हम नेक्स्ट मध्यम तक, म तक जाएंगे। पंचम इस तरीके से, बाकी के सारे नोट। इस तरीके से हमिंग में जाना है, आकार में एंड नोट पे आकार करना है, और आकार में वापस से सा पे आना है आकार करते हुए। इस तरीके से आपकी आवाज़ को वो ईज में, आप जो एंड नोट है वो ईज में ब्राइट लगा सकते हैं, आपकी आवाज़ में ओपननेस आएगा, और ये आपकी आवाज़ के वार्म अप के लिए भी बहुत अच्छा है, और वोकल एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जैसे बाकी की सभी एक्सरसाइज में मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज करने से आपकी आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस एक्सरसाइज में मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं चाहता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज खुद करिए, इससे आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है वो आप मुझे बताइए। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू सी वॉट डिफरेंस यू सी इन योर वॉइस आफ्टर डूइंग इट। तो ये एक्सरसाइज आप करिए, और इससे आपको आवाज़ में क्या डिफरेंस महसूस होता है, क्या इम्प्रूवमेंट महसूस होता है मुझे बताइए कमेंट में। मैं और नहीं बताऊँगा इसमें कि और क्या फ़ायदा होता है ये एक्सरसाइज करने से, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप शायद आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि हाँ ये एक्सरसाइज करने से ये हो जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू एक्सपेरिमेंट विथ दिस एक्सरसाइज, और देखिए क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको सा टू सा बताया, लेकिन आप अपने रेंज का पूरा यूज़ कर सकते हैं, पूरा रेंज यूज़ कर सकते हैं। हायर ऑक्टेव के नोट भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर ऑक्टेव के नोट भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, आपके सुर बढ़ जाएंगे, आपके नोट बढ़ जाएंगे, आपका रेंज बढ़ जाएगा, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। ये तो मैंने सिर्फ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए और सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए मैंने ये पूरा एक ऑक्टेव में बताया है। आप बाकी के नोट में भी करिए, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।